ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कामाख्या जो मंदिर है, कामाख्या मंदिर जो असम में स्थित है, उसके बारे में, उसके राज हम आप लोगों को बताएंगे और साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि उसका इतिहास क्या रहा है और उस मंदिर की क्या मान्यता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कामाख्या मंदिर जो कि देवी सती का मंदिर है और वो मंदिर स्थित है असम में, असम के गुवाहाटी क्षेत्र में वो मंदिर स्थित है और उस मंदिर की मान्यता यह है कि वो सबसे बड़ा तांत्रिक पीठ माना गया है इस विश्व का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना गया है और कामाख्या मंदिर जो है वो सबसे ज्यादा वहां पे तंत्र होता है, सबसे ज्यादा तांत्रिक कामाख्या मंदिर में आते हैं। हर साल अंबुवाची पर्व कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है, जून के महीने में 3 दिन के लिए होता है और उस समय रजस्वला का समय काल होता है देवी सती का। और आप लोगों को सबसे पहले उसका इतिहास पता होना चाहिए। कामाख्या मंदिर में देवी सती की योनि का भाग गिरा था। वैसे तो 51 शक्तिपीठ है भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, और ये शक्तिपीठ कैसे बने, ये कामाख्या मंदिर में योनि कैसे गिरी देवी सती की और इस मंदिर की जो है शुरुआत कहां से हुई, इस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं या कहानी है काफी लाखों साल पुरानी, जब देवी सती और यानी कि जो देवी पार्वती से पहले जब देवी सती थी उनकी उनकी जब शादी शिव भगवान के साथ हुई थी, तब जो सती देवी के जो पिताजी थे दक्ष, उन्होंने एक यज्ञ रखा था अपने कनखल जो आज हरिद्वार में है, कनखल इलाके में जहाँ पे वो रहते थे, और वहाँ पे उन्होंने शिव भगवान का बहुत बड़ा अपमान किया था, उन्होंने उनको नहीं बुलाया था और देवी सती वहाँ पे गई, बल्कि शिव भगवान ने मना किया था वो फिर भी गई वहाँ पे और उन्होंने देखा कि उनके जो पति हैं उनके लिए कोई स्थान राजा दक्ष ने नहीं रखा है। इसको देख के वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और उस क्रोध के चलते हुए देवी सती ने अपने आप को उसी हवन कुंड की अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। ये देखते हुए क्योंकि भगवान भोलेनाथ त्रिकालदर्शी थे, वो वहां पे आए और वहां पे आने के बाद उन्होंने देवी सती का जो शरीर था जो कि जल चुका था, भस्म हो चुका था, उसको अपने शरीर में लेके पूरे ब्रह्मांड में जाने लगे और वहां पे बहुत परेशान अवस्था में आ गए भगवान शिव। साथ ही साथ भगवान शिव की यह अवस्था देखकर जो और त्रिदेव हैं, ब्रह्मा और विष्णु, बाकी जितने भी देवतागण हैं, उनको देख के, उनकी ये स्थिति को देख के भगवान शिव की जो इतनी भयावी स्थिति हो चुकी थी उसको देख के बहुत दुख हुआ और ये एक ब्रह्मांड के लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका था। तो इसी के पश्चात भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला के जो देवी सती का जो अंग है उसको अपने चक्र के द्वारा काट दिया और उसके 51 टुकड़े अलग अलग स्थानों पर इस देश में, पाकिस्तान में एवं नेपाल में जाके गिरे। उसी में से जो योनि भाग था वो कामाख्या, जो कि कामाख्या के नाम से प्रसिद्ध है, वो गुवाहाटी में जाके गिरा और वहां पे मान्यता यह है कि तंत्र का सबसे बड़ा मेला लगता है। एक और मान्यता मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब भगवान शिव ने यज्ञ में जाने के लिए देवी सती को मना किया था तो देवी सती मानी नहीं थी, तो वही वो स्थल है जहां पे मना किया था कामाख्या में। जब देवी सती मान नहीं रही थी तो शिव भगवान बहुत रोकने की कोशिश कर रहे थे देवी सती को, मगर देवी सती ने वहां पे 10 महाविद्याओं का रूप लेके भगवान शिव को घेर लिया था। इससे भगवान शिव बहुत ज्यादा भयभीत होकर उन्होंने देवी सती को जाने की आज्ञा दे दी थी। और मैं आप लोगों को एक चीज, एक राज और बताने वाला हूं कि जब भी जून का महीना होता है तो एक अंबुवाची पर्व यहाँ पे मनाया जाता है कामाख्या मंदिर में। वो अंबुवाची पर्व में ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो पूरा लाल हो जाता है, वहां पे जो झरना है वो पूरा लाल हो जाता है और 3 दिन के लिए ये मंदिर बंद रहता है। 3 दिन के लिए वहां पे तांत्रिकों का, तंत्र का बहुत बड़ा जमावड़ा लगता है। और साथ ही साथ वहां पे ये भी मान्यता है कि जो आदमी सबसे बड़ा तांत्रिक है इस दुनिया में, जो भी जितने भी तांत्रिक है, वो आदमी पूरा तांत्रिक तब बनता है जब वो कामाख्या देवी जाके वहां पे माँ कामाख्या के योनि भाग के दर्शन करता है।
साथ ही साथ वहां पे योनि भाग में अगर हम नीचे गर्भगृह की बात करें तो वहां पे ना तो कोई फोटो है ना ही कोई मूर्ति है, वहां पे बस देवी की योनि है स्थित और वो नीचे गर्भगृह है वहां पे। साथ ही साथ कालिका पुराण में ये भी लिखा गया है कि जो इस कामाख्या मंदिर में जाता है वहां पे हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता ये भी है कि कामाख्या मंदिर में बलि भी दी जाती है, कुछ लोगों को अपने कार्य पूर्ण कराने के लिए वहां पे बलि देने का प्रावधान भी है, और जो बलि दी जाती है वो किसी इंसान की बलि नहीं होती है, वो बलि होती है बकरों की और भैंसों की जो कि वहां पे दी जाती है। और ये एक देवी के योनि भाग के अलावा वहां पे दसों महाविद्याओं के भी मंदिर स्थित हैं। वहां पे एक मयंक पर्वत भी स्थित है जहां पे सारे तांत्रिकों का जमावड़ा रहता है, वे बहुत बड़े और उच्च के तांत्रिक हैं और वो वहां से मयंक पर्वत नहीं छोड़ते। मान्यता यह है कि अगर वो मयंक पर्वत छोड़ेंगे तो वहां पे उनकी जितनी तांत्रिक शक्तियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो मैंने बताए हैं ये तो कुछ ही राज हैं, बाकी के राज जो कामाख्या मंदिर के हैं वो पुराणों में जो हमारे अभी जो हम पे पुराण हैं उनमें बहुत कम ये राज बताए गए हैं, बाकी बहुत सारे राज हमारे चले गए हैं जो पुराणें जला दी गई हैं, मुगलों ने जलाई हैं, मुगलों ने ये मंदिर तोड़ने की भी काफी बार कोशिश करी है मगर वो इस चीज में सफल नहीं हो पाए। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा सिद्ध पीठ है और ये कितना मान्यता है इस मंदिर की। आप लोग जरूर जाकर एक बार कामाख्या देवी के दर्शन करें और वहां पे हो सके तो देवी का ध्यान जरूर करें। तो आज का विषय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।